Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Shahid Maqbool. Aaj hum English class 10th, 4 July 2020 mein unit number 7 ki exercises ki taraf badhenge. Isse pehle humne is mukammal sabak ki translation padhi hai. Aaj हमारे जो एक्सरसाइजेस के पेजेस हैं वो 82, 83 और 84 हैं. 82 पर दिए गई जो एक्सरसाइज दी गई एक्सरसाइजेस हैं इनमें सबसे पहले ग्लॉसरी को हल करते हैं. कैरियर, मुलाजमत, सर्कमस्टांसेस, हालात, कॉन्टेस्ट, मुकाबला, एक्सेल, सबकत ले जाना, मोटिवेशन, तहरीर, पार्टिसिपेंट, शरीक, प्रायोरिटी, तरजीह. इसके बाद इसी पेज पर एक्सरसाइज ए विकैबुलरी में दी गई एक्सरसाइज ए है. इसमें बताया गया है कि दिए गए अल्फाज के मतलब लिखें. गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन. पहला लफ्ज है सर्कमस्टांसेस, उसका मीनिंग है एक्सटर्नल कंडीशंस. पार्टिसिपेंट, कंट्रीब्यूटर, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, मैच यानी मुकाबला, प्रीसीडिंग, प्रीवियस, एक्सेल, सबकत ले जाना, सरपास, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, फाइनेंशियली, मोनेटरी. अब नीचे इसी पेज पर एक्सरसाइज बी दी गई है और एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज इन द सेंटेंस इन द लेसन. नीचे फ्रेजेस दी गई है, इनका इनको जैसे लेसन में इस्तेमाल हुआ इनका उसी तरह इनका इनको एक्सप्लेन करना है. पहला है अ लॉन्ग बम्पी राइड. इस फ्रेज की एक्सप्लेनेशन ये है अ लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी. अर्न फर्स्ट प्लेस, सिक्योर फर्स्ट पोजीशन. सी है अ वेल राउंडेड स्टूडेंट. अ स्टूडेंट having various abilities. D, along with a group of other students, in the company of other students. E पर देखे, to look forward to it, wait for, यानी सरापा है मुंतजर. किसी क्या किसी जैसे उसने कहा था कि मैं अपने मुस्तकबिल के लिए सरापाए मुंतजिर हूं. उसके बाद है मेड इट दिस फार यानी मैनेज्ड इट अप टू नाउ. मैनेज्ड इट अप टू नाउ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई. डियर स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 83 पर आए. वहां पर एक्सरसाइज ए चूज द करेक्ट ऑप्शन दी गई है. मैं इसमें दी गई स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक दुरुस्त ऑप्शन जिसके जो ऑप्शंस हैं उनके जवाब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप नोट कर लेंगे और मैं पढ़ूंगा और करेक्ट ऑप्शन भी आपको पढ़ के बताऊंगा. द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड. ये जो अंडरलाइन फ्रेज की गई है इसी का हमने करेक्ट ऑप्शन तलाश करना है. फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स तीन ऑप्शन इजी टाइम, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम और लेजर टाइम. दुरुस्त जवाब है बी, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम. जो पहले का दुरुस्त जवाब क्या है बी, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम. दूसरा है द ऑथर थिंक्स
thinks he will become a well-rounded student by तीन ऑप्शन दिए गए हैं, making good grades in academics, participating in co-curricular activities, partaking both in academic and co-curricular activities. इसका दुरुस्त जवाब है सी, partaking both in academic and co-curricular activities. नंबर थ्री पर आए तो टू का दुरुस्त जवाब क्या है सी. नंबर तीन पर आए ही समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग टू इयर्स हेल्प्ड हिम. तीन ऑप्शन दिए गए हैं, गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी गेट फाइनेंशियल बूस्ट, सी मेक फ्रेंडशिप्स. तो इसका दुरुस्त जवाब है ए, गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आज़ादी और जिम्मेदारी के मुतल्लिक इदराक का हुसूल हासिल करना, समझ को हासिल करना कि आज़ादी और जिम्मेदारी के बारे में समझ का हासिल करना. तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है ए. नंबर तीन का दुरुस्त जवाब क्या है ए, द ऑथर हैज बिकम मोर डैश बिकॉज ऑफ हिज जॉब एक्सपीरियंसेस. तीन ऑप्शन दिए गए हैं, वेल टू डू एंड प्रॉस्परस, मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, सी है सोशल एंड वेल नोन. इसका दुरुस्त जवाब है मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी दुरुस्त जवाब है बी. तो नंबर फोर का दुरुस्त जवाब क्या है डी. और आखिरी है, दिस डिवेलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज गिवन द ऑथर द मोटिवेशन एंड नीड्स टू बिकम नंबर वन फेमस, टू वेल्दी, और थ्री है सक्सेसफुल. तो इसका दुरुस्त जवाब है सक्सेसफुल. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्सरसाइज आज हल की गई है समझ आ गई होगी. अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो ऑनलाइन मुझसे रब्ता कर सकते हैं. शुक्रिया.